हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज मैं अपना चैप्टर जो है मेरे संघ की औरतें उसके एकल बहुविकल्प प्रश्न यानी एमसीक्यू को बेस्ड क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री करके कौन लौटे थे? लेखिका के दादा, लेखिका के नाना, लेखिका के पापा या लेखिका के पति? तो आपको पता है वो नानी के पति थे, लिख तो नानी के पति क्या हो जाएंगे, नाना। तो इसमें आपका ग ऑप्शन लिखेगा कि नाना थे, तो इसमें आपका विकल्प ग सही हो जाएगा। तो यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये ज़रूर याद करना है। लेखिका की परदादी के मन्नत मांगने के बाद जन्मी लड़की पहली थी मंजुल, मंजुल सबसे बड़ी थी, तो इसमें आपका ग ऑप्शन हो जाएगा। लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, अतः उन्होंने पतोहू के बच्चे के रूप में भगवान से लड़की मांगने की, और उसमें मंजुल सबसे पहले लड़की थी। तीसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी अपने अंतिम समय में पति के दोस्त को बुलाने का क्या कारण था? स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करना, अपनी पुत्री के लिए वर चुनने की जिम्मेदारी देना, आज़ादी की बधाई देना, या एक क्रांतिकारी से मिलना? तो अपनी पुत्री के लिए एक वर चुनने की जिम्मेदारी देना, इसलिए उन्होंने प्यारे लाल शर्मा को बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनके पति विलायती ख्यालों के थे, इसलिए वह उन्हें बुलाकर अपने पुत्री के लिए वर चुनने की जिम्मेदारी देना चाहती थी, क्योंकि वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्हें अपनी बेटी के विवाह के लिए भी एक क्रांतिकारी तलाश करवानी थी। चौथा प्रश्न है, मुस्तैद शब्द का क्या अर्थ है? तो मुस्तैद तैयार, तत्पर, चुस्त, तो ये तीनों ही अर्थ मुस्तैद के रहेंगे, तो आप उपयोग सभी कर लेंगे। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है, किस बीमारी ने लेखिका को आज़ादी के जश्न में जाने का से रोका था? टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया या हीज़ा? तो उस समय लेखिका को टाइफाइड यानी उस वक्त की एक जानलेवा बीमारी के रूप में फैला हुआ था, उन्हें कारण डॉक्टर ने उन्हें इंडिया गेट जश्न में जाने की इजाज़त नहीं दी, तो इसमें आपका टाइफाइड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, बदर्स करामजोफ उपन्यास किसके रचित है? तो इसमें आपका लेव टॉल्स्टॉय, मोग्रेस्की, दास्तोयेवस्की या निकोलाइचेव? तो जो आपका ग ऑप्शन दास्तोयेवस्की, ये उपन्यास रूसी साहित्यकार दास्तोयेवस्की द्वारा रचित है, उसका एक अध्याय जो बच्चा पर होने वाले जो अनाचार या अत्याचार पर था। लेखिका की कई रचनाएं जैसे जादुई का कालीन, नहीं, तीन गुलों की छोरी व कट गुलाब के अंश उस आदि से प्रभावित थे। सातवां प्रश्न है, लेखिका की माँ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती थी? क्योंकि उनका सारा वक्त घूमने फिरने व्यतीत होता था, किताबें पढ़ने में मशगूल रहती थी, घर के बाहर बातों में बैठ जाया करती थी, या उन्हें कोई काम करने में हिचकिचाहट होती थी, तो वो किताबें पढ़ने में मशगूल हो जाती थी, तो इसमें आपका खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लेखिका की माँ के बारे में, लेखिका की माँ बीमारी के चलते कुछ अपनी अरुचि के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों दूर रहती थी और अपना अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बिता देती। आठवां प्रश्न है, लेखिका की माँ कोई काम ना करने के बाद भी सबके लिए श्रद्धा की पात्र क्यों थी? क्योंकि वह सत्यवादी, गोपनीय बनाए रखने में निपुण होने के कारण, अपने काम से काम रखने के कारण, अपने पिता के साहब होने के रौब के कारण, या फिर क व ख दोनों? तो इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा, क और ग दोनों ही हो जाएगी, क्योंकि लेखिका की माँ जो थी वो साहबों के खानदान से थी और वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, इधर की बात उधर नहीं करती थी। इन विशेषताओं के कारण कोई कार्य ना करने से बावजूद भी सबके लिए श्रद्धा पात्र थी। नौवां प्रश्न, स्कूल बंद था मैं वापस आ गई, इसमें आपका क्या कहना, कहाँ से आ गई पंक्ति है? तो ये किसने कहा था, ये रेणु ने कहा था जब वो स्कूल बंद था और वो वापस आ गई थी। बारिश में सभी यातायात बंद होने के कारण रेणु को स्कूल ना जाने के लिए सभी ने मना किया, फिर भी वह गई। स्कूल बंद मिलने पर जब 2 मील चलकर घर वापस आई तो घर वालों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, तब उसने ये बात कही। दसवां प्रश्न है, लेखिका के द्वारा खोले गए किन भाषाओं में शिक्षा दी गई थी? तो अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़, ये तीन भाषा में दी गई थी, तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में रहती थी और वहाँ उन्होंने एक प्राइमरी तक विद्यालय शुरू किया जिसमें तीन भाषाएं सिखाई जाती थी। ग्यारहवां प्रश्न, लेखिका के नाना
को किस उपनाम से विभूषित किया गया, सिपाही, क्रांतिकारी, साहब या साम्यवादी? तो उन्हें साहब से संबोधित किया जाता था। लेखिका के नाना विलायत से बैरिस्टरी करके लौटने के बाद अंग्रेजों की तरह रहने लगे। उस वक्त अंग्रेजों का शासनकाल था, इस कारण उन्हें साहब माना जाता था। 12वां प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 के जश्न के समय लेखिका कितने वर्ष की थी? तो इसमें वो लेखिका 9 वर्ष की थी, ये भी आपको दे रखा है। 13वां प्रश्न है, लेखिका के पिता को ICS की परीक्षा में बैठने से क्यों रोक दिया? आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण, घर की जिम्मेदारियों के कारण, परीक्षा देने की योग्यता ना होने के कारण या विलायती शिक्षा में शिक्षित होने के कारण? तो वो आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था उन्होंने, इसलिए उन्हें IAS की परीक्षा देखने से रोक दिया। उस समय देश में अंग्रेजी का शासन था, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेना अपराध माना जाता था, इसी कारण उन्हें IAS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। 14वां प्रश्न है, अचला ने पत्रकारिता में दाखिल क्यों लिया? अपनी पसंद के कारण, इसी विषय में दाखिला मिलने के कारण, पिता का कहा मानकर या पिता का सहयोग करने के कारण? तो पिता का कहा मानकर उसने पहले अर्थशास्त्र और बाद में पत्रकारिता में दाखिला लिया। फिर 15वां प्रश्न, उर्दू शब्द फॉरिंग का हिंदी में अर्थ होगा, तो ये जो फॉरिंग शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होगा कार्य से निर्मित, तो इसमें आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।